हेलो गाइस, आपका फिर से बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। इसका नाम है लर्न टाइम और इसके अंदर हम देख रहे थे स्केटिंग स्टाइल शीट। और आज के में हम जो देखने वाले हैं वो है केसेस कलर्स के बारे में। ठीक है, तो आज का एजेंडा हमें बता बता देते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम पहले केसेस कलर्स के बारे में जानेंगे, आरजीबी फॉर्मेट्स के बारे में जानेंगे जो सी कलर का ही पार्ट है, आरबीजी फॉर्मेट के बारे में। उसके बाद में आरबीजी ए फॉर्मेट्स के बारे में, फिर हेक्साडेसिमल नोटेशंस के बारे में, फिर हम एचएसएल फॉर्मेट के बारे में, ठीक है, और फिर उसके बाद एचएसएल ए फॉर्मेट के बारे में और बिल्ट इन कलर, ठीक है, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सीएसएस कलर से। ठीक है, तो सीएसएस कलर क्या होती है? सीएसएस जो कल में सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है कलर, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें ऑफकोर्स ये बात उसी से हम क्या इसको कलर देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। अगर आप इसको आप जो अभी आप जो आपको व्यू दिख रहा है इसका अगर आप बैकग्राउंड देखो, ठीक है, तो ये डार्क ब्लू है, ठीक है, तो डार्क ब्लू है तो ये आपको लग रहा है तो वो आप डार्क ब्लू लिख सकते हो। उसका आपको कोड पता हो तो आप लिख सकते हो। तो ये यही आप कलर होता है। आप ऑब्वियसली आप सभी को पता है कलर क्या होता है, ठीक है, और आप ये थोड़ा डेटा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। द कलर प्रॉपर्टी इज सीएसएस द यूज द सेट ऑफ द कलर द एचटीएमएल एलिमेंट एंड टाइप दिस द प्रॉपर्टी इज द यूज टू द बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट द कलर एंड एलिमेंट इन द सीएसएस कलर वैल्यू द स्पेसिफाई द कलर। जो वैल्यू होगी वो स्पेसिफाई करेगी कलर को। एंड वी कैन ऑल्सो यूज द प्रॉपर्टी फॉर द बॉर्डर कलर एंड या एनो जो अदर जो डेकोरेटिव इफेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं। अब हम जो हमारा पहला जो फॉर्मेट होता है वो होता है आरबीजी, ठीक है। आरबीजी में क्या करते हैं कि हम आरबीजी लिखते हैं और इनकी जैसे आर की सेचुरेशन लिखते हैं। जो आर की जो रेंज होती है वो भी 0 से लेके 255 तक होती है, जी की भी इतनी होती है और बी की भी इतनी होती है, यानी रेड की भी 255 तक होती है 0 से, और ग्रीन की भी 255 तक होती है 0 से स्टार्ट करके, और ब्लू की भी इतनी होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया। और जो इसका जो स्टार्टिंग का होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल्स ग्रुप में हम देख लेते हैं। तो वो हो गया हमारा कुछ ये आरबीजी, ठीक है। इन सीएसएस कलर दे स्पेसिफाई द आरबीजी वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यूज ही करते हैं, ठीक है। तो हम इसके यूज करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम एक बार एडिटर के पास जाते हैं और यहाँ पर हमें चाहिए एक वैल्यू जिसका हम नाम रखेंगे सीएसएस। इसको सेव कर लेते हैं सीएसएस, ठीक है। तो स्टाइल है स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है, सिंपल इसको सेव कर लेते। सेव करने के बाद इतना से काम करेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करो, पहले यहाँ पे आओ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे करो, इसके बारे में स्पेसिफाई करो। तो लिंक है और सिंपली यहाँ पे आप इसका जो एड्रेस है वो लिख दो, नाम स्टाइल डॉट सी एस एस, ओके कंप्लीट, इसको सेव कर दो। अब ये इसको स्पेसिफाई कैसे करें, पहली चीज तो इसके लिए हमने लास्ट हमने बता रखा है कि इसको तो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लास, क्लास देंगे आरजीबी, ठीक है, पर्टिकुलर आरजीबी को करेगा कंट्रोल, ठीक है। सिंपली यहाँ पे भी हम क्लास लिखेंगे और इसको ये दे देंगे, सिंपली इसको भी हम क्लास एच एस एल दे देंगे, ठीक है, ताकि इसको स्पेसिफाई कर सकें। और इसको भी हम
है, और ये है हमारा HEX, ठीक है, और इसको हम देंगे, इसका नाम ही कलर देते हैं, कलर नेम ले देते हैं, ठीक है, कलर नेम ये हमने दे दिया, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमको किस इसमें देना है, यहाँ पे RGB में, तो पहला हम RGB देख रहे हैं, तो RGB, तो यहाँ पे RGB, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है, तो ये RGB हो गया। और इसमें हम क्या देखेंगे, कलर के लिए तो हम ऑफकोर्स बात है कि बैकग्राउंड देंगे, तो बैकग्राउंड हमारा ये हो गया, और ये हो गया RGB, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चलो कुछ चेंज कर लेते हैं, 255 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 40 कर देते हैं, और यहाँ पे 10 कर लेते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं, और फिर इसको नो करें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, ठीक है, तो चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे RGB है, तो उसमें कलर कौन सा आ रहा है, ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली इसको चेंजेस, यहाँ से भी जो भी आप चेंजेस करना चाहो आप इजीली आराम से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, आप आराम से यहाँ से जो भी दिक्कत कलर देना चाहो आप चेक कर सकते हो, तो इजीली आप कलर भी चेक कर सकते हो, ठीक है, ये कलरिंग के लिए काफी अच्छा टूल है, ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी से करें, और इसकी ठीक है, तो हम अभी इसी को आप अभी इसी को दे दें, ठीक है, ओके। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि RGB यूज कैसे करते हैं, आप यहाँ पे यूज करके देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे चेंज कर करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, ये कुछ एग्जाम्पल से आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे RGBA, वॉइस फॉर्मेट सेम होता है, इसमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके से होता है, तो अब इसको भी हम इसी में ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर में अगर आपको इस अल्फा को हम मैं शो कर सकता हूँ, ये देखो इस प्रकार से, ठीक है, आप इसको कम कर या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, तो जैसे मेरे को भी ये कलर ठीक है, ठीक है, ये हो गया पूरा ग्रीन, एक्चुअली ग्रीन है पूरा, ये देखो पूरा ग्रीन है, इसमें आप लाइटिंग कर सकते हो, कितना आपको बैकग्राउंड दिखाना नहीं दिखाना आपको वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये सैचुरेशन आप अल्फा की वैल्यू दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो ऑलरेडी है, तो मैं कुछ भी आप लिख लो, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो एडिटर में आकर के इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ए दे देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये है कि सिंपली यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, तो मैं 0.5 देता हूँ, 0.5, 50%, और यहाँ पे जो है मैं 25 दूंगा, और यहाँ पे 100 दे देता हूँ, ठीक है, सो सेव करता हूँ, कलर डिफरेंट होगा, ठीक है, टोटली डिफरेंट कलर है, रिफ्रेश कर लो, टोटल डिफरेंट कलर, ठीक है, इसमें सेचुरेशन यूज की गई है, दिखा सकते हैं, ठीक है, ये देखो, अगर इसको चेंज कर दें फिक्स, इसको 100 कर दें, ये देखो पूरा एक्चुअल कलर ये है, और जैसे मैं इसको सेचुरेशन 50 करता हूँ, ये काफी अच्छा ठीक ठाक कलर है, तो ये कलर्स होते हैं, देखिए ये वाला कलर कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे आप कलर दे सकते हो। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो तरीका है हमारा कलर देने का इसमें, वो है हमारा हेक्साडेसिमल नोटेशन, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन के लिए हम कैसे, मतलब कि हेक्साडेसिमल कैसे देते हैं, तो हेक्साडेसिमल में ये होता है कि जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से लेके F तक चलती है, ठीक है,
तो 0 से लेकर 9 यानी 10 तो वो हो गए, और एफ यानी ए बी सी डी ई और एफ यानी 6 कैरेक्टर यानी 16 होते हैं, ठीक है। तो 16 टाइम चलता है 0 से लेकर F तक, और उसके बाद में अगर और ये जैसे R है तो मतलब जैसे रेड है तो RR ये 2 टाइम चलेगा, यहाँ पे 0 से लेकर 16 टाइम तक यहाँ पे चलेगा, 16 टाइम तक यहाँ भी चलेगा, ठीक है। तो ये टोटली अगर आप देखोगे तो काफी मल्टीपल टाइम चल जाता है, ठीक है, 256 तक चल जाता है, ठीक है। तो ये कलर वैल्यू यहाँ पे 256 तक चल जाएगा और यहाँ पे 256 तक चल जाएगा, तो मतलब आप ये कह सकते हो आपको हर टाइप का कलर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल्स के लिए। अब इसको यूज करके भी हम देखते हैं, ठीक है, तो यूज करके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या करते हैं कि तो हमने तो हम यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड कलर, और ये देखो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, एक बार दिखाता हूँ कि 00 एंड एफ ए सी सी, ठीक है, ये कलर है, ठीक है। हम इसे ब्राउजर पे देखते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, ये देख लो ये एग्जैक्ट वैल्यू है और एक कलर आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये 0 है, जैसे यहाँ पे 0 लिखा, ये 0 से लेकर 9 तक तो चल ही सकता है, लेकिन 9 के बाद में ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, सी भी चलेगा, डी भी चलता है, ठीक है। तो थोड़ा कलर में डिफरेंट नहीं आ रहा क्योंकि रीजन ही है ऑफकोर्स, ये भी थोड़ा बहुत सी सी डबल चीज हो गई यहाँ पे, तो मैं कर देता हूँ और यहाँ पे बंद कर देते हैं। वाइट नहीं दे रहे हम ये क्योंकि 1600 टाइम हो गया, तो यहाँ पे डी दे, ठीक है, 5, ठीक है। तो आप ये कलर चेंजेस देख पा रहे होंगे क्योंकि ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो उस हिसाब से कलर चेंज हो, ठीक है। 255 जो भी आपको देखने देना चाहते हो उतना सा देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से भी आप चेंज करके दे, आप भी दे सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, ठीक है, तो आप यहाँ से भी चेंज करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी हेक्साडेसिमल की वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा तो आप जो हेक्साडेसिमल है तो उसके लिख सकते हो हेक्साडेसिमल ठीक है, आप भी लिख सकते हो कलर्स, तो यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पे चलिए, ठीक है, इनमें से कोई से भी ले लीजिए आप, तो आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल कलर कलर्स के कोड भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई थिंक सब नेटवर्क इश्यू, तो ये कंप्लीटली लोड हो चुके हैं, अब आप इसमें देख सकते हो। तो आप ये हेक्साडेसिमल RGB वैल्यू, ठीक है, आप इस यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, आप यहाँ पे RGB के लिए भी दे सकते हो और हेक्साडेसिमल्स के, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, ये कैसे यूज होता है आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, पूरा कंप्लीट। और यहाँ से कलर पिक कर सकते हो आप, तो ये काफी अच्छी वेबसाइट है, अगर आपको कलर्स में अगर आप डायरेक्ट कोड देना चाहो तो कोड दे सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसे सभी के नाम नहीं होते, मतलब सभी कलर्स के नाम नहीं होते, गिने चुने कुछ कलर्स के ही नाम होते हैं, सभी के नाम नहीं होते। अगर आपको डिफरेंट कलर्स बनाना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, और आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप खुद अपनी मर्जी से कलर बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका होता है हमारा, ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा रेड कलर के लिए, और आप ठीक है, तो सिंगल स्पेसिफिकेशंस ठीक है कैसे देते हैं, और ये कुछ इसके नोटेशन कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं एच एस एल यानी, ठीक है, तो इसमें होता है जो एच होता है हुई, और एस होता है सेचुरेशन, और एल होता है लाइटनेस, ठीक है।
तो हम जो सेचुरेशंस होती है वो क्या मतलब कि हुआ ही होती है, हुआ ही क्या होता है, एक ये पूरा हुआ एक सर्किल है, ठीक है। तो सर्किल में क्या कितना चलता है ये पूरा सर्किल में, तो सर्किल में ये चलेगा यहाँ से लेके यहाँ, मतलब यहाँ तक, यहाँ पे चलेगा, ठीक है, ये पूरा ऊपर चलेगा। तो ऊपर चलेगा मतलब क्या हो जाएगा, ये जो घुमावदार जो पूरा घूमेगा वो कितने तक घूमेगा, 360। तो वाई की वैल्यू अपन क्या देते हैं, 360 डिग्रीज तक देते हैं, ठीक है। तो ये वो परसेंटेज में नहीं देते, लेकिन जो सेचुरेशन होती है वो परसेंटेज में देते हैं, कि अगर मान लो जीरो सेचुरेशन है तो पूरा जो लास्ट में जो ये बिंदु दिख रहा है यहाँ पे होगा। अगर ये सेचुरेशन बढ़ाएगा, मेरे शायद ये कर्सर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो ये आप दिख रहा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो अगर ये सेंटर है तो सेंटर में होगा तो इसकी जो सेचुरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो लास्ट में होगी वो क्या होगी, इसकी 100% सेचुरेशन कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर ये बीच में, इसको हम बीच में माने, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी सेचुरेशन, 50% सेचुरेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में लाइटिंग, लाइटिंग में इसमें होता है ब्राइटनेस, आप लाइटिंग लाइटनेस बोल सकते हो, ब्राइटनेस बोल सकते हो, ये होती है ब्राइटनेस जो कि 100% तक होती है। ये तो फुल्ली डार्क हो जाएगी, ठीक है, या पूरा अंधेरा हो जाएगा, या पूरी ही लाइट हो जाएगी, ठीक है। और आपको 50% तक हम समथिंग में से रखना, तो वो हो जाते हैं लाइटनेस के अंदर, ठीक है। तो इसको भी हम ये भी देख लेते हैं, और इसको जैसे सेचुरेशन वगैरह आपको ये देख सकते, आप लिख सकते हो, देख सकते हो। और इसका थोड़ा सा ये आपको एक इसमें समझाने के लिए है ये, ठीक है। एचसीएल में जैसे आपको ये 360 तक चलता है, और इसके अंदर ये बाकी सेचुरेशन और लाइटनेस हम इससे कुछ देते हैं, ठीक है। अब ये देखो पूरा डार्क हो गया, पूरा ब्लैक हो गया, पूरा यहाँ पर पूरा लाइटिंग हो गई, ठीक है, ये कलरिंग हो। तो हम इसमें मेनली ज्यादा 50% ही देते हैं, ताकि ये एग्जैक्टली जो कलर है वो हमें दिखाए, ठीक है। और ये एक मतलब कि ये जिसके आपका कौन सी लाइन में जाए, सबसे अगर जीरो होगा तो सबसे सेंटर में होगा, सेंटर में हमेशा कलर ब्लैक ही होता है, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट ब्लैक ही होता है। और जो लास्ट में होता है वो उसका जो कलर होता है वो लास्ट में होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो 100% होता है सेचुरेशन, तो एग्जैक्ट कलर दिखाएगा जो यहाँ इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन में कई सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं HSLA फॉर्मेट। HSLA फॉर्मेट भी ही है, ठीक है, वही सेम फॉर्मेट है। इसमें क्या होता है, हम इसमें वही अल्फा की वैल्यूज देते हैं, और इसमें जो उसकी जो ओपेसिटी है वो हम डिसाइड करते हैं, उसकी ओपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। और बाकी सब सिमिलर है, लाइक दिस आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर, इसमें पूरा पूरा एक ही एग्जांपल सही था हमने ले रखा है कि ये सिंपली हेक्साडेसिमल कैसे होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू दे रहे हैं और ऑटोमेटिकली कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, फिर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे ब्राउज पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो नेक्स्ट पे जो हमारी वैल्यूज है, किसकी वैल्यूज लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा ज्यादा हो गया ये, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये हो गया, ये है हमारा ये वो HSL, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं वही बैकग्राउंड, तो कल बैकग्राउंड ही देंगे और HSL देंगे, ठीक है। HSL में हम जीरो नहीं दे रहे क्योंकि बहुत अलग कैस हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि ब्लैक आ जाएगा, मतलब टोटली ब्लैक आएगा, हम ब्लैक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम 60 डिग्रीज ले लेते हैं, 60 डिग्रीज, और एक्जेक्ट कलर कितने पे आएगा हमारे, 50% पे आता है, 50% पे हमारा एग्जैक्ट कलर आ जाता है, और जो लाइटनेस है वो 50% ही लेनी चाहिए। तो हम समथिंग इसमें एक्चुअली कलर कुछ लिया हमने, उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करके एक ए भी जो ए होता है वो भी हमने लिख लिया था यहाँ पे, इसकी एक्चुएशन देते हैं, सॉरी अल्फा वैल्यू देते हैं, जैसे अल्फा वैल्यू कितने देते हैं, ये दे देते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, अब दोनों सेम है, कलर डिफरेंट आएगा, कलर डिफरेंट आएगा, कलर डिफरेंट, ठीक है। अभी देखते हैं अभी कलर डिफरेंट आएगा इसके अंदर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और उसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसके कलर डिफरेंस, तो कलर डिफरेंस देखो, एक HSL का कलर ये क्या, और HSL A का कलर डिफरेंस आप देखो, जबकि दोनों की वैल्यू सेम, बस इसका अल्फा की वैल्यू, इसकी अल्फा की वैल्यू 100%, इसकी अल्फा की वैल्यू 50%,
ठीक है, कि कुछ ऐसा कलर साथ में। अब जो हमारा लास्ट बचा है वो कलर नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे नहीं में। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है हमारा बिल्ट इन कलर। बिल्ट इन कलर में क्या होता है कि हम इसमें स्पेसिफिकली हमारा कलर का नाम देते हैं कि हम किस तरीके का कलर चाहते हैं। अगर आपको कलर का नाम पता है कि आपको कौन सा कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें ये कलर चाहिए। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी हमने एक बार चेक आपको बता देते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे आओ, और जैसे हम यहाँ पे क्या था, नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट हमारा जो कि सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया ब्लू, ठीक है, ब्लू ले लिया, ये डायरेक्ट मैंने नाम दे दिया, नेम स्पेसिफिकेशन दे दिया। तो अब ये सिंपली जब हम जाते हैं तो लास्ट में ऑटोमेटिकली ब्लू कलर का एक कॉलम आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप नेम स्पेसिफिकेशन करके देते हो, तो नेम स्पेसिफिकेशन करते हो तो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं कलर्स देने के, ठीक है। तो आज की जो सेशन में आपको कलर्स देना, आपको कलर्स प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया होगा कि कलर आपको कैसे देते हैं, ठीक, कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हम और नई प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे और सीएसएस को बहुत अच्छे तरीके देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।